फीस वृद्धि को लेकर बीएचयू केंद्रीय कार्यालय पर धरनारत आयसा के छात्रों व सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय कार्यालय पर आयसा के छात्रों ने बढ़ी हुई फीस वृद्धि को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र जब केंद्रीय कार्यालय के अंदर जाना चाहे तो इस बीच सुरक्षा कर्मियों व छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच कुछ छात्र कार्यालय के अंदर जाना चाहे जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका और इसी बीच छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्रों का कहना था कि बीएचयू प्रशासन द्वारा विभिन्न कोर्सेज और हॉस्टल की फीस में 100 से लेकर 500 फीसदी की बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। फीस वृद्धि का सीधा प्रभाव गरीब, दलित, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों तबके से आने वाले छात्र छात्राओं पर पड़ेगा, जो बड़ी मुश्किल से केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर पाते हैं। फीस वृद्धि का ये तुगलकी फरमान भाजपा सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति पर आधारित है, जिसमें सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को लोन दिए जाने की बात कही गई है। यानी अब सरकार विश्वविद्यालय को कर्ज देकर उनसे वसूली करेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस बढ़ाकर विश्वविद्यालय की इमारतों और जमीनों का व्यवसायीकरण करके तथा उन्हें बेचकर उस लोन की भरपाई करनी पड़ेगी। छात्रों के विरोध को देखते हुए बीएचयू प्रशासन की ओर से एक भ्रामक बयान जारी करके ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कि बीएचयू में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कोई फीस वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन स्पष्ट है कि जो छात्र अभी स्नातक के बाद परास्नातक में दाखिला लेंगे या जो भी नए छात्र बीएचयू में आएंगे, उनको ये बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर 2 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया हमारी बात को सुनने के लिए। हम लोग यहाँ पर धूप में आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, अंदर वही लोग, वही प्रोफेसर, वही प्रॉक्टर लोग मीटिंग कर रहे हैं, पेड़ की छाया के नीचे कुर्सी में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, चाय समोसा खा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। तो इधर आप देख सकते हैं कि कितनी हम लोगों की चिंता है, कितनी स्टूडेंट्स की इन लोग को चिंता है कि हमें चोटें भी दिए हैं ये लोग, और यहाँ पर जो हम धूप में बैठे हुए हैं ये लोग एक भी प्रशासन का आदमी कोई सुनवाई के लिए नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम वाइस चांसलर से नहीं मिलते, जब तक वाइस चांसलर हमसे मिलने नहीं आते हैं। किसी से बात नहीं हो पाई है, कोई अभी तक अधिकारी नहीं आए हैं। ये लोग सिर्फ भेजे हैं तो सिर्फ प्रॉक्टर को भेजे हैं, हमको रोकने के लिए भेजे हैं, पुलिस को भेजे हैं, हमें रोकने के लिए भेजे हैं। अधिकारी बात नहीं किया, नहीं कोई अधिकारी नहीं आए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, फीस वृद्धि के विरोध में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये फीस वृद्धि बिल्कुल रोकना चाहिए। यह पहले से ही इतिहास गवा रहा है बीएचयू में पढ़ने के लिए, पिछले दलित पिछड़े लोग वंचित रहे हैं, तो इस फीस वृद्धि को रोकना चाहिए और जहां तक संभव हो इसको आगे से आगे प्रधानमंत्री तक भी पहुंचना चाहिए इस बात को। किसी संबंधित अधिकारी से बात करने की या ज्ञापन देने की कोशिश की आपने? जी, हम लोग अपने विभाग में, जैसे अपने विभाग के HOD से बात किया, उन्होंने भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि आज VC ऑफिस का घेराव किया जाए, जिससे उनके कानों तक जूरेंगे। ज्ञापन आपने किसको दिया? हम लोगों ने अपने डीन को दिया, अपने HOD के दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर VC ऑफिस पर घेराव कर रहे हैं। इनसे क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि ये फीस वृद्धि नए छात्रों के लिए है, पुराने छात्रों के लिए नहीं है। तो हम कल को हम भी यहाँ से बैचलर से मास्टर डिग्री में जाएंगे तो हमारे भी फीस वृद्धि के चांसेस हैं, तो पुराने बच्चे भी जाकर नए कोर्सेज में दाखिला लेंगे जिससे उनकी फीस वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को पिछड़े शिक्षा का हनन होते जा रहा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। कुछ कहना चाहेंगे चैनल पे? बस ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो यहाँ से निचले अधिकारी से लेकर ऊपर उच्च स्तर तक जो प्रधानमंत्री तक बैठे हैं, सभी तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि शिक्षा को बेचे ना, इसका बाजारीकरण ना करें। शिक्षा एक हमारा मूलभूत अधिकार है जो छात्रों को लेकर रहना पड़ेगा। देखिए, लगातार कई महीनों से छात्र ज्ञापन कुलपति जी को दे चुके हैं इसी सेंट्रल ऑफिस में, लेकिन अब तक फीस वृद्धि को लेकर के कोई इनकी प्रतिक्रिया नहीं है। बिल्कुल ही हिटलर शाही विश्वविद्यालय चलाना चाहते हैं। आज छात्र यहाँ पे सिर्फ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की यहाँ पे कहीं कोई
हस्तक्षेप देखिए किस तरीके से 10 महिलाओं को आगे खड़ा करके हम लोगों को रोक दिया गया और बाकी बुला लिया गया। ये देखिए जैसे कि ये केंद्र का यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बाहरी पुलिस का बिना हस्तक्षेप आप बिना लेटर का नहीं कर सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं कौन सा लेटर कुलपति महोदय जी को यहाँ अटैक कर रहे थे छात्र की, या इतना यहाँ बाहरी पुलिस आई है। इस तरीके की गतिविधि ये प्रतीत होती है कि अब छात्र आवाज़ नहीं उठा सकते, छात्र अपनी बात नहीं रख सकते। लेकिन एक बात चेता देना चाहता हूँ, महामना के आए बगिया यहाँ के छात्र जो हैं मानस पुत्र हैं, ये दान का यूनिवर्सिटी है, मालवीय जी ने इसको दान से बनाया है, किसी सरकार से नहीं बना है। ये सरकार का जितना हस्तक्षेप है सरकार बस उतना काम करे। यहाँ का कोई छात्र आतंकवादी नहीं हुआ है, यहाँ के छात्र IAS हुए हैं, PCS हुए हैं, जज हुए हैं, सांसद हुए हैं, विधायक हुए हैं, और इनके ही प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे यहाँ का छात्र दरोगा से स्टार्ट करता है, SSP SO SP DGP DIG तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, बताइए यहाँ के डॉक्टर इंजीनियर हर क्षेत्र में हैं। कैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ का छात्र आंदोलन नहीं कर सकता? छात्र आंदोलन कर सकता है, छात्र का अधिकार है। किसी भी प्रकार की गतिविधि अगर छात्रों के साथ होती है तब वहाँ पे प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मेरा खड़ी चुनौती है, इस प्रकार से प्रशासन अगर आएगा तो हमें नहीं लगता कि विश्वविद्यालय छात्र को यहाँ पे पढ़ने दिया जाएगा, जबरदस्ती ये सब किया जाएगा। आज हम लोग आयशा के लोग और समाजवादी छात्र सभा के लोग, BCM के लोग, भगत सिंह छात्र मोर्चा के लोग और दिशा के लोग, मैं खुद आम आदमी पार्टी से छात्रवाद संघर्ष समिति सिवाय से हूँ। अधिकारी अंदर गेट बंद कर लिए, बढ़िया बैठे हैं, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों का मांग है, जो पत्रक है कुलपति जी आए, छात्र हैं भाई, यहाँ से उनको पैसा मिलता है, सब अंदर हैं, अभी बोल रहे हैं कि अभी बताते हैं कुलपति से बात क्या हुई। बात बहुत हुई है, अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, सब एकदम गार्डों से प्रशासन रुकवा रहे हैं, पूरा एकदम छावनी में तब्दील कर दिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने के लिए आए हैं, और चाहे पुराने छात्रों का फीस बढ़े चाहे नए छात्रों का फीस बढ़े, फीस बढ़ना तो फीस बढ़ना होता है। हम सभी छात्र इसका विरोध करेंगे, क्योंकि धन उगाही का अड्डा ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं होगा, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो गरिमा है सदैव बना रहेगा। हम सभी मानस पुत्र हैं, इसकी रक्षा सुरक्षा यहाँ के छात्रों के लिए हम लोग सदैव